अस्सलाम वालेकुम महमूद अहमद। और आज कुछ स्टोरी शेयर करेंगे, कुछ ड्रामे किस्म की, वो भी सच्ची कहानी जिनके साथ हुआ है। हमें हमारी फ्रेंड ने बताया था, कुछ हमारे साथ भी होता है, हमने पहले भी बताई थी आपको। आज कुछ हमें याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ। वो रियल स्टोरी है, फेक नहीं है, जो अक्सर किसी के साथ किसी न किसी कुछ ना कुछ होता रहता है। इस किस्म के वाक्य हो जाते हैं ड्रामे किस्म के टाइम शेयर करेंगे आपसे। स्टडी टाइम में हम लोग पहले भी हमने इस तरह की वीडियोज बनाई थी, आज फिर बना रहे हैं। तो मैं शेयर करती हूँ जो हमारी आंटी थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अभी हैं हमारा ख्याल में है। लेकिन उन्होंने बताया था कि जब उनकी बेटी शादी के बाद वो आई हुई थी उनके पास, और वो तो हाँ लाउडली बोलते आवाज़ नहीं आई आवाज़ नहीं आती। तो हमारी आंटी की बेटी थी, वो शादी के बाद आई थी अभी अम्मी घर, वो प्रेगनेंट थी तो उनको हॉस्पिटल लेकर, वो बच्चा डिलीवरी होने वाला था तो उनको लेकर हॉस्पिटल गई उनकी अम्मी वही यानी आंटी। तो उनका बेबी तो खैर खैर से हो गया, लेकिन जब हॉस्पिटल में रात को सोने लगी तो वो जो खातून थी ना, यानी जो आंटी की जो बेटी थी, तो उनके पैर से कोई कम्बल ऐसे कोई खींच रहा है। जो उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं है, वोट की बैठी नहीं, आज तक कुर्सी पड़ी हुई आई तक पड़ी। फिर भी हॉस्पिटल वालों को कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर दूसरे दिन भी उनका यही वाक्य हुआ, और तीसरे दिन वो हॉस्पिटल छोड़ के आ गए फिर। लेकिन उन्होंने बताया था कि उनकी अम्मी ने बाद में बताई ये बात आंटी ने, कि हॉस्पिटल में दूसरे रूम में एक खातून की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो थी पेशेंट तो उनकी डेथ हो गई थी, तो बाद में वो लोग गए कि उनको रखा था जैसे मुर्दा खाना में रख गया था ना, होता है ना जैसे स्टोरी वापस रख देते हैं मुर्दा खाने में, बर्फ़ खाने पर रख देते हैं मुर्दा खाने में उससे करते हैं। तो फिर वो कहीं तो कहने लगी उनकी जो डॉक्टर थी वो, उन्होंने बताई आंटी को, कहने लगी कि वो जितना मिजाज भी होता है जो जिस खातून की डेथ हुई थी वो उठ के बैठ के बैठ गए ना तो जवाब दिया, वो उल्टे पाँव भागी नर्स थी बहुत सारी और डॉक्टर भी थे बहुत सारे, उन्होंने खुद ही देखा आधी रात को दो ढाई बजे का वक्त था। तो ये कहते हैं कोई फेक स्टोरी नहीं होती, जिनके साथ होता है वो लोग भाग गए शोर शराबा हॉस्पिटल में हो गया, सारी लाइट्स तो खैर ऑन थे सब कुछ, लेकिन इस तरह से वाकत हो जाते हैं या बनने के बाद इंसान का हमजाद जो होता है वो भटकता रहता है। डेड बॉडी थी हॉस्पिटल में, उनके घर वाले नहीं आए थे, मल्ले ने उनको सर्द खाने में रखवा दिया था, क्या हुआ था ये सब बातें मिक्सअप हो गई। लेकिन इस किस्म का इंसान हुआ था और ये सच है, ये झूठ नहीं है, वो इंसान के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये स्टोरी उन्होंने बेटी से शेयर करी, उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें नहीं बताया तुम डर जाओगी, उनके सामने की बेटी के साथ वो ब्लैंकेट वाला तो मैंने बताया ना वो हो गया था, वो खींच लिया था किसी ने दो दफ़ा उनकी दोनों रातों को भी हुआ था। नमाज जनाजा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो इंसान है उसका हमजाद उसके साथ दफन हो जाए, लेकिन कुछ लोग इतने शर दिमाग के होते हैं वो मौलवियों को डॉज दे के भाग देते, वही कब्रस्तान में घूमते हैं, दम करते हैं। इसलिए जब भी कब्रिस्तान जाए चार को लेकर कुर्सी अपने पर दम करके जाएंगे। जितने भी लोग नमाज जनाजा पढ़ाते हैं उनका अंदाजा होता है, और वो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं वो हम जाते हैं तो वो भी दफन हो जाए। आवाज़ आ रही है मेरी वीडियो में, तो मैं स्लो बोल रही, मैं स्लो बोल रही, आवाज़ नहीं आई मेरी। हाँ मतलब स्टोरी सुना था, आवाज़ भी आ रही है, लोगों पंखे का शोर भी है, अचानक रात का वक्त है और गर्मी बहुत ही खड़ा जी में, और मैं चाह रही आवाज़ आ जाए, मैं आहिस्ते बता रही। तो उनके साथ वो ब्लैंकेट वाला वो हुआ जो उनके साथ खींच लिया किसी ने, ये हुआ और वो खातून जो जिनकी डेथ हो गई उठ के बैठ गई बैठ से, वो सब उन्होंने अपनी लाइफ अपने आँख से देखा। तो इस किस्म का वाक़त हो जाते हैं, तो फिर खैर बहुत जोर सब पढ़ते हैं, फिर अगर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं कहीं नहीं कहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर की थी। अब वो उस दुनिया में नहीं बेचारी, तो उन्होंने कहा था मेरे साथ ये हुआ था मेरी बेटी के साथ, तो फिर उनके दमाद भी आए सब कुछ, उनका मसला डिस्कस किया मैंने, फिर बताया सर सब ने बताई स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे आज याद आया तो मैंने आज और आज शेयर करता हूँ। पहले भी बताया था मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं मैरिंग छोटे थे तो बच्चों तो वैसे खेल रहे तो सो जाते तो मैं मैरिंग सो गए थे एक ही बेड में, तो ऐसे 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 कोई लोहे का हाथ मुझे थप्पड़ मार रहा है, कभी मैरिन को मार रहा है, फिर मैंने नीम में हाथ पकड़ा एकदम पसीने वाला हाथ हो रहा था, तो मैंने मैंने सोचा तुम मुझे मार रही हो, मेरी उल्टा समझ रही मैं मार रही हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं मारते, हम लोग गरीब महीने से हो रहे थे बार बार ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे जाते थे। हाँ जल्दी से हमने लाइट ऑन की, आयतर कुर्सी दोबारा पढ़ के सो कर दम करके,
और एक और स्टोरी जो मेरी ज़्यादा ये वो ये हमने पहले भी शेयर किया था, गला ख़राब हो गया, ठंडा पानी मत पीते, गर्मी है तो ठंडा ही पानी पियेंगे, यख पीते हैं। हाँ ये लोग सारे स्कूल गए थे, मैं अकेले घर में थी, मैं कमरे में बैठी टीवी देखी, शायद मैंने पहले बताया था ये बात गानी मैंने सुना, हाँ ये मैंने फिर अच्छा मैं अकेले बैठी थी तो क्या हुआ, मैं टीवी देख रही तो किचन से आवाज़ आई, जैसे गैस ऑन चूल्हा ऑन कर देंगे, जिस गैस की आवाज़ कैसे आती है, गैस ऑन हो गई, मैं कहीं किचन में तो चूल्हा ऑफ था, आवाज़ आ रही थी और रिमोट भी, हाँ फिर मैं आई, फिर मैं चली गई, मैं चलो कोई सब्जी वब्जी देखती हूँ, कोई से निकाल काम करती हूँ, तो फिर टीवी भी ऑन था, फिर अपन रिमोट ले बनते और टीवी ऑफ कर देती हूँ, मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो वो रिमोट गायब हो गया, वो मैं 5 मिनट ढूंढ रही हूँ बेड में, हर जगह दीवार ज़मीन में, कहीं में टेबल में, कहीं में दीवार के दिमाग खराब है, तो फिर हर जगह ढूंढ रही, रिमोट मुझे मिला नहीं, मैं उससे मैं टीवी डायरेक्ट ऑफ करके चली गई, फिर मैं आ गई काम वाम करने के बाद, मैं चलो दोबारा, फिर मुझे बेड के सामने से रिमोट मिली, लेकिन कैसी बात है, कौन यकीन करेगा, ये मेरे साथ हुआ था गर्मी, ये मेरे साथ हुआ था, तो मैं शेयर कर लूँ और बताओ, अब मैं सोचती थी मुझे याद आया जो लगा नहीं कर, मैं लगाऊँ कैचर, चलो मैंने भी बुरा बनाया हुआ, गर्मी तो खाँची में बहुत गर्मी है और इसके साथ ट्राउन नहीं पाते और बहुत सी कहानियाँ हैं, और कौन सा हमारा जो भतीजा है तो कहने लगा, मैं भी वो घर में अकेला था, जॉब तो सारे लोग करते हैं, तो वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ था अपने लैपटॉप का काम करता था, स्कूल करता, तो भाभी वगैरह सब गए बैठे सब लोग, तो वो घर में अकेला था, ऐसे कोई दोपहर का टाइम था कि रात को कोई याद मेरा घर है, जैसे कोई सैन में चल रहा है छड़क 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 और गेट पर नॉक नहीं किया, तो रोटी में मैं काम कर रहा हूँ वो तो कोई, लेकिन जब जाके देखा उसने गेट को बर्दाश्त में डर लगा लगा, तो मैं अकेले भी डर लगा, तो मैं अच्छा देखने लगा तो कोई भी नहीं था, और गेट पे भी कोई नहीं था और सहन में भी कोई नहीं था, लेकिन कोई मुस्तकिल चल रहा था उसको डिस्टर्ब कर रहा था, ये सब देखें इस किस्म के वाकई हो जाते हैं, हम जिस पुराने इलाके में रहते थे वो भी हॉन्टेड था, और पता है इस वाले इलाके में भी रहता था, यहाँ भी हॉन्टेड कुछ हो जाता है किसी के साथ, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होता रहता है, लोग शेयर करते थे, और जब सब लोग मिलते हैं आपस में सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार लोग मिल के आप बातें करते, तो कुछ ना कुछ जिनके साथ होता है तो वो शेयर करते हैं, तो हमसे हमारी आंटी ने भी शेयर की थी वो वाली कहानी, मैंने बताई हॉस्पिटल वाली, वो मैंने आपको बताई कि मेरी आंटी के भतीजे के साथ होता, वो मैंने बताई मेरे साथ जो हुआ, और हाँ और एक और बात स्कूल में थे, एक और मुझे याद आ गया, हम लोग जब छोटे थे हम लोग एक ही रूम में अम्मी ने नोट किया हुआ था, अम्मी अब्बा का बेड एक तरफ था, हम तीनों बहनों का एक साथ, हम लोग तीनों छोटे थे, तीनों बहनें एक साथ एक बेड पर सो रहे थे, तो क्या हुआ मेरी आँख खुल गई, मेरी आँख खुल गई रात में, तो मैं उठ के बैठ गई बेड पर, सामने चेयर पे अब्बा की शक्ल का कोई इंसान बैठा, सेम अब्बा की शक्ल का, और वो सिगरेट पी रहा था, वो शख्स सिगरेट पी रहा था, और मुड़ के ऐसे से देखा, मैंने मुड़ के मैंने देखा वो अम्मी और अब्बा थे बेड पर थे, अब्बा भी सो रहे अम्मी भी सो रहे दोनों, मैं इस कदर परेशान हुई छोटी थी मैं तो डर गई, मैं तो और मुँह दबा के सो गई, आखिर माँ का देखा मैं मुँह दबा के सो गई, फिर मैं झांक झाँक के देख लूँ रजाई से ऐसा करके देख लूँ वो शख्स बैठा वही सेम अब्बा की शक्ल का, फिर मैंने सुबह अम्मी को बताया मेरे तो मैंने हाथ बहुत देखे, मैं सो गई डर के सो गई मैं, और पता नहीं अब्बा भी हंस रहे थे अम्मी भी हंस रही थी, फिर सेम टू सेम टू सेम अब्बा की शक्ल का इंसान, तो ऐसा हो जाता है चेयर पर बैठा हुआ एक एक शिकल दो इंसान तो नहीं हो सकता, और जब मैं स्कूल गए तो कॉपी उड़ गया जैसे वो भी मैंने बताई थी मैं, हाँ जैसे मैं कह रही थी ये सब स्कूल गए थे मैं बैठी हुई थी दूसरे रूम से कॉपी उड़ कर आए थे दरवाज़ा ही मिला रहा था कोई शेयर भी है, और एक दिन मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में गई थी दो छत्ती बना वॉशरूम के ऊपर दो छत्ती होती है तो उसके उसमें से आवाज़ आती है वहाँ छत में से जिससे कोई हड्डी नहीं चुका बिल्लियाँ हमारे ऐसी किसी भी चीज़ें नहीं खाती बिल्लियों को खाना देते वो उस किसी भी चीज़ें नहीं खाती मुस्तकिल कटर कटर साफ़ सुथरा करके रखा हुआ ऐसा कुछ उसके अंदर कुछ उसके अंदर कुछ उसके ऊपर कुछ भी था ऐसा कोई कचरा गंद नहीं था कट 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 मैं वॉशरूम में तो शरीर गुस्सा आ रहा था डर भी लग रहा था मैं अकेली थी ऐसे खड़ 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 जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा हूँ बाद में हमने बच्चों को बुलवाया काम वाले बच्चों को बुलवा के मैंने अच्छा नोट चेक करवाया कुछ भी नहीं साफ़ सुथरा बिल्कुल झाड़ू सफाई से कुछ किया हुआ उसको तो सामान तो खैर सेटिंग से रखा हुआ था चीज़ें लेने जाते थे कमरा घर खाली था कौन सा था वो जब हम दूसरे इलाके में रहते थे
लाइट गई थी, चीज देने के साथ याद आ गया, याद आ गया। अब दिमाग में रात का टाइम था, वैसे ही दिमाग में नींद भी आ रही थी तो मेरे दिमाग में माफ हुआ। मैं मेरा 8 बजे का टाइम था ना, 8, 7 या 8 की नमाज़ पढ़ गया था। हम लोग तो ऐसे निकलते हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ पहले मॉडल सब लोग ऐसे ही निकलते हैं, रात को ही निकलते, गर्मी से दौड़ती रात को ही निकलते थे। तो जाकर चीज़ देने सामने घर के सामने शॉप्स पर दोनों पीछे गली में, पीछे स्कूल भी था हम लोग अंदर साइड में जाते अंदर, तो पीछे स्कूल भी पुराने जमाने स्कूल भी था, वो अब स्कूल का नाम निशान भी बाकी नहीं रहा। तो हम लोग उस गली से टर्न होकर जाए तो चीज़ देने गए, फिर वहाँ से टर्न होकर वो बच्चे मिल चले हमारे साथ चले, हमारे दोस्त से मिलना है सर चले गए तीनों मिल के। तो फिर वो काफ़ी खड़ी थी गेट पर, गेट के पास गेट में ताला लगा था और वो खिड़की में से झाँक रही, खिड़की से मैं झाँक रही थी तेरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब देखा हमने गेट पर ताला लगा, कोई बोल नहीं सकता, बात के अंदर मैं भाग जा कर ही खाऊंगी, हम लोग भाग के डर गए। हमने वहाँ फिर चिल्ला के बोला अंकल तो भैया दिक्कत हुआ है। हाँ ये वो कह रहे वो तो घर खाली पड़ा, मत कोई खातून क्या तो को तो कोई रहता नहीं है, खातून क्या तो वहाँ तो कोई इंसान नहीं रहता। जब हमने पूछा शॉपकीपर से अंकल तो कहने लगे वहाँ तो कोई भी रहता, आप लोगों ने क्या देखा किस खातून दिखे, वो हमने कहा हमें बुला रखे हम लोग आते थे, चार दम करके निकलते ये तो बिल्कुल कोई फेक स्टोरी नहीं है। और ऐसे वाक़यात इसलिए भी होते हैं क्योंकि आजकल लोग जादू वगैरह बहुत करते हैं, तो इस वजह से भी इस तरह के सिचुएशन हो जाती है। तो आप लोग आयतल कुर्सी और चार पुल पढ़ के दम करके सोया करें तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सूरह फलक, सूरह नास अपनी एज के मुताबिक पढ़ें और आयतल कुर्सी बेस्ट है चट्टान चुड़ैलों से जादू से बचने के लिए। तो आयतल कुर्सी को मामूल बना लें पढ़ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाजार कहीं भी घूमने फिरने कहीं भी स्कूल बाजार के टाइम पढ़े असर के टाइम और रात को सोने से पहले, और जब बाजार अजार जाएँ तो दम करके जाते हैं तो महफूज रहते हैं, पढ़ते जाना चाहिए। और अल्लाह ताला के हमें बहुत ताकत, लाजमी पढ़ना चाहिए, लोग नहीं पढ़ते मॉडर्न मतलब मॉडर्न गया इंसान को दूर पढ़ना चाहिए उससे सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए आजकल कुर्सी सुना ना सुना पढ़ना पढ़ना चाहिए दम करके। सुन अम्मी को चाहिए अम्मू को चाहिए कि अपने बच्चों को आदत डालें खुद पढ़े और बच्चों को भी आदत डालें आदत डालें कि दवाएँ पढ़ें और सफ़र के दौरान भी दवाएँ पढ़ के लिखें अपने आपको बचाए सबको बचाएँ और आदत बनानी चाहिए। और हमारी जो अम्मी की पुत्री थी वो बताती थी कि वो पुराने ज़माने की बात बता रही वो काफ़ी, तो वो कह रही थी कि मैं जैसे वो बनाते हैं कुछ भी खाने पीने में मीठा वीठा कुछ भी दिल करता हूँ खाने का, तो मछली फ्राई करती मीठे साथ मछली भी फ्राई करी थी, तो उनकी किचन में एक काला से ऐसा हाथ आया, लाइट की भी थी और ऐसा हाथ आया और वो गए मछली और जब उन्होंने लाल उस ज़माने में लाइट शाइट पुराने ज़माने बहुत पुराने बनता है लाल टैन से देखा तो फिर बाल खुले को चुड़ैल टाइप की चीज़ थी, उन्होंने तो आजकल कुर्सी वगैरह पड़ी तो वो गायब हो गई, ऐसे कहीं मछली भी हाथ बढ़ा के। तो इस किस्म के वाक़ हो जाते हैं। आज हमने कहा हम ड्राउन बातें शेयर करते हैं और ये एक स्टोरी नहीं है, और मैं ये वाला फ़ैन ले रहा हूँ इसमें लोग सेफ बॉडी बनाते हैं ये वो वाला पंखा जो खड़ा है में बहुत गर्मी है, अल्लाह कर हमारी आवाज़ आती है बड़ी में हम लोग आहिस्ता बोल मैं कमकते हैं थोड़ा अपनी शांत धीमे लगे मकते सब सो रहे थे घर में शोर शराब होता आवाज़ आती अच्छा नहीं लगता, लेकिन वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी तो फिर आपको मज़ा कैसा आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। और हम बना भी रहे हैं अब 12 बजे बारह बजे स्टार्ट करेंगे नमाज वगैरह काम से सबसे फारिग होकर फिर हम लोग बनाए। और हमारा भाई छत पे गया था, पहले हमारा जो मॉडल वाला घर था वो छत पे चढ़ के बेरी का पेड़ भी था वहाँ पे, तो वहाँ से पेड़ तोड़ा था उसको किसी ने धक्का लगाया वो नीचे आया, अम्मी ने इसको पकड़ लिया वो बच गया, वो अल्लाह ने उसको बचा लिया। वो हमारा वो वाला जो था मॉडल वाला था वो कुछ था हॉन्टेड था बहुत ही पुराने ज़माने का था, वो उसको कुछ लोग कहते हैं उसको कुछ था कुछ असरात कह लें हॉन्टेड आसर दुरा कह लें कुछ भी कह लें, लेकिन ऐसा होता है तो इसके लिए यही हल है कि साफ सुथरा रह जाए इंसान और दुआएँ बढ़ी जाए और कोशिश करें इंसान को पॉजिटिव ज़्यादातर बुराइयाँ इसलिए नज़र आती हैं कि लोग जादू वगैरह बहुत करते हैं, हसद करते हैं, हसद में ये सारा जादू तो इसलिए माशरे को बिगाड़ दिया जाती है।
वो जो नेगेटिव पूरे करते हैं ना लोग, जादू टोना है, इन चक्रों में, तो उससे सब बस आप लोग कला पाठ पढ़े, अल्लाह ताला से मदद मांगे तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। तो इंसान को पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, बुरे कामों से बुरे नहीं, बुरे कामों से बुरे, जादू टोने से दूसरों की खुशियों से ना जला, लोग ना करते हैं जादू टोना, बहुत बुरी आदत बन गई है माशरे की, बहुत माशरे का बिगाड़ है। लोग बहुत आजकल जलते हैं जो कि जलना नहीं चाहिए, और मुझे दिखते में भी बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी तो बहुत चढ़ चटका दुपट्टा है, इसमें गर्मी लग रही है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हसद नहीं करें, किसी के लिए जादू टोना नहीं करें, तो आप इस्लाम के खारिज हो जाते हैं। तो लोग जादू टोना करते हैं, दूसरों से हसद करते हैं, दूसरों की खुशियों से जलते हैं, ये सब आदतें बेकार चीज़ें, ये आपको दोजख की तरफ ले जाती है। आप भी तालीम हासिल कीजिए, पढ़े लिखें, अपनी तरक्की करें, बजाय कि दूसरों से जलें बैठ के, उसके लिए जादू टोना करें। दुनिया के तमाम मजाहब में जादू मना है और सब ने मना किया इस पूरे फिल को, पूरे काम को। हमारे लोग भी करते हैं, एक खातून है निचले तबके की, वो जादू टोना बहुत करती हैं, करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं। हम लोग तो पहले हंसते थे, यकीन नहीं करते, पहले यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसे कुछ हुआ है ना आपके लाइफ में, ऐसे कुछ हो जाता है तो समझ में आता है। हम लोग बहुत हंसते थे, यकीन नहीं करते, बुराई है जो जो नज़र आ रहा है, ये इन्हीं की वजह से नज़र आता है जादू टोना जो लोग करते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसी से रीज़न बनता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो बुराइयाँ फिर ऐसा नज़र आता है, लोग नेगेटिव माइंड हो जाते हैं जादू टोना से। तो हरकतें नहीं करनी चाहिए जो आजकल बुराइयाँ नज़र आ रही है हमारे माशरे में, ये सब उन्हीं के असरात से होते हैं, नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत गंदी आदत है, नहीं कर इस ये हर इन हरकतों से अपने आपको बचा के रखें, आपकी आखिरत ख़राब हो जाती है। अच्छा सोचिए, वो बुरा मत कीजिए, जो सोच अच्छा नहीं करें, अच्छा नहीं करें तो बुरा भी ना करें, बुरा भी मत करें, हसद से अपने आपको बचाइए। लोगों जलने वाली जो आदत होती है ना, बहुत ही गंदी आदत है, कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है हसद कर कर, दूसरों से जलना नहीं चाहिए। अपना तो करते हैं आप, आखिरत आपको बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फिजूल चीज़ें, ड्राउनी छोड़ दे, ड्राउनी कहानी किससे बहुत सारे हैं। जब वीडियो बनाते हैं तो मैं सोचते रहती, अब रात टाइम अचानक हमने प्रोग्राम बनाया, हम लोग कोई पहले से तैयार नहीं करते कि ये करेंगे, माइंड में आता हम लोग बनाने बैठ जाते हैं, पहले से डायलॉग्स ये बोले, हम लोग कोई याद आ रहा है स्टोरी सब हमें, चलो बता देना, चलो याद आ रहा है तो वीडियो बना लेते हैं, तो हो जाता है, शेयर करते हैं हम लोग से, अच्छा भी लगता है, हम लोग भी सुन लेते हैं कभी कोई किसी की वीडियो कोई अच्छी आती है, ऐसे बुरे इंसानों से और टाइप की कोई स्टोरी टाइप को अच्छा लगता है। बचने के लिए आयतुल कुर्सी है, सूरह फलक, सूरह नास है, चार कुल जो होते हैं, सूरह काफ़ून, सूरह इख़लास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह अज़ीज़ पढ़ के अपने पर दम करें, सब पर दम करें, तो आपके ऊपर जादू टोना से असर नहीं करेगा, नेगेटिव जो गंदी नज़र बद नज़र बद रहती है वो नहीं लगेगी, सूरह कौसर से नज़र भी लगती है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर प्रॉब्लम नज़र भी लगती है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व बताया है कि किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी टेंशन से कुरान शरीफ खोलें, उसको पढ़ें, समझें, तो पढ़ते हैं इससे अल्लाह हमारी मदद करता है, यकीन रखें अल्लाह की ज़रूरत, अल्लाह ज़रूर बचाते हैं बुरे लोगों से, बुरे लोगों के अमान से, तो कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। और कुछ सोचो, कुछ याद आया तो मुझे याद नहीं आया, वीडियो बनाते पास कर दें, और जब याद आए तो हम बता दो हम लोग को प्लानिंग हाथ हमने बहुत देखे, हम हमारा कोई प्लानिंग नहीं होता, हमने कहा छठ पूजा कभी पर्दा बराबर करते हुए माँ मैं चलो वीडियो बनाते हैं, हम लोग स्टार्ट पकड़ लेते हैं, चलो आओ बनाते हैं स्टोरी टाइम, वो ड्रामी चीज शेयर करते हैं हमारे साथ, बाजू हमारे हमें सुना जो लोग सुनाते हैं दर्द होता है, आंटी का वाला शेयर करते हैं। और हम लोग जा रहे थे अपने दोस्त के घर, तो मैं तस्वीरें खींचते जाती, बाकायदा बैक साइड में दो लेडी और लड़के की तस्वीर आई है, वो अगर क्लियर हो मैं रास्ते तो आपको आप लोगों से शेयर करें, शेयर करूँगा, साफ पीछे से लगा कोई खड़ा वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन कैमरे कोई भी नहीं था, रात के 8 बजे का टाइम था, मोबाइल में तस्वीर आ गई, अलग वैसे खींचते हुए जाती हूँ, जब मैं घर आकर देखा मैंने कहा ये पीछे कौन है तीन बंदे, ऐसा भी होता है, फेक स्टोरी हम वही बताते हैं जो हमारे साथ हुआ, जो लोग छोड़ू था छोड़ते रहते झूठ 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 झूठ, हम छोड़ रहे वो हम लोग छोड़ू नहीं है, हमारे
जो हुआ है जो लंबी लंबी फेंकते दादा का हमारा जो वो हमने वही पढ़ा चढ़ा के पेश करते किससे मजे करने के लिए, लेकिन समझ में आता कि झूठ है। लेकिन जो हमने हमने जो आपसे शेयर किया वो सच है, रियल स्टोरी है। हमने बचपन की है, अब तो अल्लाह शुक्र इतना नहीं होता। अल्लाह शुक्र हम नमाज़ पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग ये इंसान के अंदर खुद का खौफ होता है, डर। जब से हमने आयतल कुर्सी चार कुल पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह शुक्र अभी सब सीन नहीं होता। और ज़्यादा कसूर बड़ों होता है पेरेंट्स का, जो बच्चों को डराते हैं, वो देखो पूतना आ गया, वो देखो फला बाबा आ गया, वो फला आ गया। नहीं डराना चाहिए, कुछ पेरेंट्स डराते हैं। और ये क्या कर एक और आजकल पहले चल रहा क्या आ गया था, भाऊ आ गए, भाऊ आ गए, भाऊ आ गए, ये सब नहीं डरा। जो बच्चों को डराते हैं ना तो वो खौफ बैठ जाता है बच्चों के अंदर, डर खौफ तो उनको नहीं डरना चाहिए। आजकल कुर्सी सिखाए पढ़ना, चार कुल पढ़ना सिखाए, इंसान डरता रहता है अकेले अकेले, ये इस तरह की सोचता रहता, डरता रहता। तो ये नहीं डरना चाहिए बच्चों को, ये इंसान में खौफ भी होता है और डरता रहता है। और बहुत सारे लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, ड्रामाज देखते हैं, सब चीज़ें, और डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, ड्राउडी आजकल बहुत आ रहे हैं नेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, लोग देखते हैं, डरते रहते हैं, तो और वो सवार भी हो जाता है और सोचते रहते हैं, होता है, हो जाता है। चले अब मुझे नींद आ रही है, और आप लोग भी अगर शेयर करना चाहें अपनी स्टोरी तो बताइएगा, और याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मुझे फिर याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और अच्छा लगता है सुनने सुनाने में, आता है सुनते हम भी। तो हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।